Welcome to BSc second year. अभी BSc second year में हम एकाध दिन में अपने सभी कार्य शुरू करेंगे, पर आपको पता है कि जब आप किसी नई क्लास में होते हैं नेचुरली सबसे पहला काम तो आपको सिलेबस के बारे में बताना ही होता है। सेकेंड ईयर में आपने जहाँ तक फिजिक्स का संबंध है दो बुक्स पढ़नी है, एक है स्टैटिस्टिकल एंड थर्मल फिजिक्स और दूसरी है वाइब्रेशंस वेव्स एंड ऑप्टिक्स। इसके अलावा हमारे पास जो बच्चे स्किल एनहांसमेंट कोर्स सिलेक्ट करेंगे उनके लिए हम स्किल एनहांसमेंट का कोर्स भी पढ़ाएंगे और वो हमारे पास ये होगा फिजिक्स वर्कशॉप स्किल्स SEC 1। मैं आज सबसे पहले आपको सिलेबाई के बारे में बताता हूँ। जैसे आपको पहले से ही पता है कि हमारे पास जो फिज़िक्स का पहला पेपर होता है उसमें 50 मार्क्स ईयरली बेस्ड एग्जामिनेशन के होते हैं, 30 मार्क्स CCA और 20 नंबर हमारे प्रैक्टिकल के होते हैं। तो इसमें जो फिजिक्स का DSC सब्जेक्ट है वो है स्टैटिस्टिकल एंड थर्मल फिजिक्स। ये मैं आपको सामने दिखा रहा हूँ और इसकी पूरी मार्किंग स्कीम भी आपके सामने है कि जैसे CCA बेस्ड ऑन मिड टर्म एग्ज़ाम, क्लास टेस्ट, सेमिनार, असाइनमेंट, क्विज एंड अटेंडेंस, CCA थ्योरी मिड टर्म एग्जामिनेशन 10 नंबर का है, क्लास टेस्ट, सेमिनार एट्सेट्रा ये 5 नंबर के, इंटरनल अटेंडेंस थ्योरी 5 नंबर की, CCA लैब एट्सेट्रा 5+5 ये इस ढंग से हमने डिस्ट्रीब्यूट किए हुए हैं। तो इसमें बेसिकली आपको पहले ही पता है कि हमारे पास 4 सेक्शंस होते हैं पुरानी स्कीम के अनुसार। अब यदि कोई नई स्कीम इनकॉर्पोरेट होती है तो वो तो आने वाले समय में पता चलेगा, पर जो पुरानी स्कीम है उसके हिसाब से हमारे पास 4 सेक्शन हैं ABCDE। 4 सेक्शन हमारे पास BCD और E हैं और 5वां जो हमारा कंपलसरी सेक्शन है वो A सेक्शन इसमें बनता है। A सेक्शन में सभी से मिले जुले क्वेश्चंस आते हैं और 4 सेक्शन से BCDE से 4 जो यूनिट्स हमने डिवाइड किए हुए हैं उनसे 2-2 क्वेश्चंस आते हैं, यानी 8 क्वेश्चन और 1 9 क्वेश्चन, और ये पर यूनिट हर एक यूनिट में से आपको एक क्वेश्चन कंपलसरी करना होता है। तो इसमें जो हमारे पास पहली बुक है जो हम आपको पहले ही बता चुके हैं ये स्टैटिस्टिकल एंड थर्मल फिजिक्स, इसका पहला चैप्टर हमारा है बेसिक आइडियाज ऑफ स्टैटिस्टिकल फिजिक्स और दूसरा चैप्टर जो हमारा इसमें है वो है डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पार्टिकल्स इन कंपार्टमेंट्स। ये पहले यूनिट के अंदर आता है। तो हमारा जो यूनिट नंबर 2 है ये यूनिट 2 में टाइप्स ऑफ स्टैटिस्टिक्स इन फिजिक्स, तो इसमें हमने फिजिक्स में डिफरेंट टाइप्स ऑफ स्टैटिस्टिक्स का योगदान देखना है और उस स्टैटिस्टिक्स की मदद से हमने क्या क्या अचीव किया वो देखना है। और इसके अब अलावा जो इसका दूसरा भाग है दैट इज बोस आइंस्टाइन एंड फर्मी डिराक स्टैटिस्टिक्स, तो इसमें हम ब्लैक बॉडी रेडिएशंस के बारे में पढ़ेंगे और साथ ही साथ हम इलेक्ट्रॉन्स की बात भी करेंगे,
फ्री इलेक्ट्रॉन गैस की बात करेंगे इसमें। यूनिट तीन में हम जो आइडियाज हमने स्टैटिस्टिक्स में पिछले दो यूनिट्स में सीखे होंगे उनका उपयोग करने की बात करेंगे, पर उसके पहले हमें उनका बेसिक्स सीखना होगा। तो इसीलिए तीसरे यूनिट में जो पहला हिस्सा है दैट इज एंट्रोपी एंड लॉज ऑफ थर्मोडायनेमिक्स, और जो उसका नेक्स्ट पार्ट है वो है स्टैटिस्टिकल इंटरप्रिटेशन ऑफ एंट्रोपी। तो इसमें हम एंट्रोपी से रिलेटेड चीज़ें पहले तो स्टडी करेंगे, फिर हम स्टैटिस्टिक्स के हिसाब से देखेंगे कि एंट्रोपी की वर्किंग कैसे होती है, एंट्रोपी और स्टैटिस्टिक्स आपस में कैसे रिलेटेड हैं, ये सारा यूनिट नंबर थ्री में आएगा। जबकि यूनिट नंबर चार जो है उसमें हम स्पेशल रिलेशंस पढ़ेंगे। ये रिलेशंस हैं मैक्सवेल्स थर्मोडायनेमिक रिलेशंस और उनकी कुछ एप्लीकेशंस जो उनसे रिलेटेड हैं वो पढ़ेंगे, और इन एप्लीकेशंस को हम फर्दर एलेबोरेट करेंगे इसके अलाइंड टॉपिक में, दैट इज एप्लीकेशंस ऑफ थर्मोडायनेमिक रिलेशंस। तो ये सारी चीज़ें ये फर्स्ट बुक का हिस्सा है, जो हमारा पहला हिस्सा बुक का पहला हिस्सा और दूसरा हिस्सा मिला के ये टोटल स्टैटिस्टिकल एंड थर्मल फिजिक्स की बात आती है। तो विल बी स्टडिंग दिस इन द टाइम टू कम। और इसके अलावा जो हमारे पास ये जो इस स्टैटिस्टिकल एंड थर्मल फिजिक्स का जो कोर्स कोड है वो ये आपको नज़र आ रहा है PHYS 201TH। ऐसे ही इससे प्रैक्टिकल भी आर रिलेटेड, पर अभी कोरोना काल में वी आर नॉट गोइंग टू डिस्कस द प्रैक्टिकल्स एज येट बिकॉज वी आर नॉट मीटिंग इन द लैब, एंड वेन एवर विल बी मीटिंग इन द लैब विल ऑल्सो बी डूइंग द प्रैक्टिकल्स बेस्ड ऑन स्टैटिस्टिकल एंड थर्मल फिजिक्स। जो हमारा दूसरा हमारा कोर्स है जो हमने पढ़ना है वो हमारा है वेव्स एंड ऑप्टिक्स। ये वेव्स एंड ऑप्टिक्स जो है ये बेसिकली सिंपल हार्मोनिक मोशन से ही रिलेटेड है, और फिर उसकी एक्सटेंशन है, और उसी से ही हमने आगे ऑप्टिक्स को एक्सटेंड किया हुआ है। तो इसमें भी जो हमारा पेपर स्टाइल है वो वही रहेगा, हमारे पास 50 नंबर की ही थ्योरी होगी, और इसका जो कोर्स कोड है वो है PHYS 202TH। तो इसमें भी वैसे ही चार मेन यूनिट्स होंगे, सेक्शन बी सी डी और ई में से, और ए सेक्शन वैसे ही कंपलसरी होगा जो कि सभी यूनिट से चुन के बनाया गया होगा। तो इसमें जो हमारे पास सिलेबस की स्कीम है वो है, फर्स्ट यूनिट में हमारे पास पहला हिस्सा सिंपल हार्मोनिक मोशन का है, जो कि कुछ कुछ आपने प्लस वन में भी पढ़ा हुआ है, उसी से रिलेटेड है। दूसरा हमारे पास जो हिस्सा है वो है डैम्प्ड सिंपल हार्मोनिक मोशन। इसमें हम स्टडी करेंगे कि हम जब सिंपल हार्मोनिक मोशन के ऊपर कोई फ्रिक्शन अप्लाई कर देते हैं तो डैम्पिंग इफेक्ट्स कैसे होते हैं, वी विल बी स्विचिंग ओवर टू दैट। तो जो हमारा यूनिट नंबर टू है वो फोर्स्ड ऑसिलेटर से स्टार्ट होता है। इसमें हम ऑसिलेशंस को स्टडी करेंगे और ये देखेंगे कि जब हम किसी ऑसिलेटर को बाय फोर्स ऑसिलेट करवाते हैं तो क्या होता है। इसके अलावा कई केसेस में ऐसा होता है कि दो ऑसिलेटर्स आपस में कपल हो जाते हैं, जैसे दो मासेस को एक स्प्रिंग से जोड़ के उनको वाइब्रेट करवाया जाए। तो ऐसे केसेस में कपल्ड ऑसिलेशंस होती हैं और ऐसे ऑसिलेटर्स को कपल्ड ऑसिलेटर्स बोलते हैं। तो हम इस सेक्शन में कपल्ड ऑसिलेटर्स के बारे में पढ़ेंगे, और उसके बाद हम पढ़ेंगे वेव मोशन के वेव्स कैसे चलती हैं। ये भी आप कुछ कुछ प्लस टू में पढ़ चुके हुए हैं थोड़ा सा, पर इसकी आपने इक्वेशंस नहीं पढ़ी हुई प्रॉपरली,
तो हम इसके बीच में आपको उनकी इक्वेशंस के बारे में बताएंगे, इम्पीडेंस मैचिंग बताएंगे, वेव ग्रुप, वेव और ग्रुप वेलोसिटी के बारे में बताएंगे। ये सारा यूनिट टू के अंडर कवर होगा। जो हमारा यूनिट थ्री है उसमें वेव ऑप्टिक्स, इंटरफेरेंस, ये दोनों टॉपिक्स कवर होते हैं। वेव ऑप्टिक्स, इसमें हम लगभग वेव फ्रंट्स के बारे में पढ़ेंगे और हाइजीन प्रिंसिपल्स के बारे में पढ़ेंगे। और इंटरफेरेंस हमने प्लस टू में भी पढ़ा हुआ है, उसी को आगे एक्सटेंड करेंगे, उसकी फर्दर एक्सप्लेनेशन करेंगे सारी की सारी कि ये इंटरफेरेंस होती कैसे है, और हम डिफरेंट ऑब्जेक्ट्स, डिफरेंट सिस्टम्स की मदद से हम इसको आगे एलेबोरेट करेंगे। इसी में एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक कवर होगा, माइकलसन इंटरफेरोमीटर। और इसी में जो हमारा चौथा यूनिट है वो है डिफ्रैक्शन और पोलराइजेशन को मिला के बना हुआ। डिफ्रैक्शन के बेसिक्स आपने प्लस टू में पढ़े हुए हैं, पर डिफ्रैक्शन की दो क्लासेस होती हैं, फ्राउनहोफर क्लास ऑफ डिफ्रैक्शन, फ्रेनल क्लास ऑफ डिफ्रैक्शन। तो ये अभी आपको इतना इसके बारे में नहीं पता, तो ये आने वाले टाइम में हम इसको एलेबोरेट करेंगे। जैसे जैसे हम आगे बढ़ते हैं वैसे वैसे हम इन सभी चीज़ों की आगे डिस्क्रिप्शन आपको देंगे। तो इसमें जो लास्ट वाला टॉपिक है वो है पोलराइजेशन। पोलराइजेशन की थोड़ी सी डेफिनेशन बच्चों को पता होती है प्लस टू लेवल से ही, पर यहाँ पर हम इसकी प्रॉपर डिस्क्रिप्शन करेंगे। कई नए टॉपिक्स आएंगे, जैसे बाई रेफ्रेंजेंस है, पोलराइजेशन बाय स्कैटरिंग है, ब्रूस्टर लॉ तो खैर आपने पहले भी पढ़ा हुआ है पर हम द्वारा से यहाँ पर डिटेल में पढ़ेंगे। तो ये सारे टॉपिक्स हमारे दो बुक्स में कवर होंगे। हमारे पास पहला भी आपको बता दिया, दूसरा भी आपको बता दिया। इसके अलावा इसके ऊपर भी प्रैक्टिकल्स हैं जो कि वेव एंड ऑप्टिक्स लैब में कवर होते हैं, पर कोरोना के कारण संभव है कि अभी प्रैक्टिकल्स ना हो पाए, पर जब भी हम प्रैक्टिकल के लिए इन पर्सन मिलेंगे तो हम लैब में बैठ के ये सारा कुछ करेंगे। ये दो चैप्टर्स, दो वर्क्स, थ्योरी वर्क्स जो हैं हमारे, ये सब्जेक्ट रिलेटेड हैं, पर इसके अलावा आपने एक फिजिक्स वर्कशॉप स्किल्स भी पढ़ना है। इसमें भी बिल्कुल उसी ढंग से ही है, 50 नंबर के थ्योरी पार्ट है और 50 नंबर का प्रैक्टिकल और इंटरनल असेसमेंट है, उसको भी हम इसमें इंक्लूड करते हैं। 100 नंबर का टोटल ये पेपर होता है। तो बेसिकली जो वर्कशॉप स्किल्स का है उसमें जो स्किल से संबंधित चीज़ें आती हैं सारी की सारी। क्वेश्चन इसमें ये है कि जो हमारा पेपर है ये इस ढंग से आता है कि एग्जामिनर विल सेट 7 क्वेश्चंस इन ऑल कवरिंग द एंटायर सिलेबस ईच ऑफ 10 मार्क्स। तो ये 7 क्वेश्चन उसमें आते होते हैं, 3 घंटे का पेपर होता है, ठीक है। तो हमने उस ढंग से सिलेक्ट करने होते हैं और 50 नंबर के वो आपको टोटल मार्क्स इसमें से देगा। 50 नंबर का पेपर होता है, 30 नंबर सीसी हो गया, इंटरनल असेसमेंट एटसेट्रा, और 20 नंबर का प्रैक्टिकल हो गया। तो 7 में से 5 करने होते हैं क्वेश्चन, तभी 50 नंबर का ये क्वेश्चन पेपर बनता होता है। तो इसका जो कोड है वो है PHYS203TH, और प्रैक्टिकल होगा तो PR लग जाएगा इसमें। तो इस ढंग से ये स्किल SC लिखा है भाई, ये फिजिक्स वर्कशॉप स्किल्स थ्योरी और फिजिक्स वर्कशॉप स्किल्स प्रैक्टिकल्स। तो इसमें जो मेन चीज़ें आती हैं बेसिकली ये मैकेनिकल स्किल्स से रिलेटेड है। अब इसमें पहला यूनिट तो लगभग इंट्रोडक्शन वाला तो आपको पता ही है क्योंकि आपने
प्लस वन से ही लगातार वर्नियर कैलिपर्स, स्क्रू गेज एटसेट्रा ये सारे पड़े हुए हैं। पर इसके अगले टॉपिक में जब आप मैकेनिकल स्किल्स की बात करते हैं तो आपको कास्टिंग, फाउंड्री, मैचिंग, फॉर्मिंग एटसेट्रा के बारे में, वेल्डिंग के बारे में, डिफरेंट टाइप्स ऑफ वेल्डिंग के बारे में, लेज़र वेल्डिंग, दूसरी वेल्डिंग, कटिंग के बारे में एटसेट्रा ये बताया जाता है। ये मैकेनिकल स्किल्स की बात आती है कि मैकेनिक्स में आप कौन कौन से स्किल इस्तेमाल कर सकते हैं। दूसरे हिस्से में इलेक्ट्रिकल स्किल्स की बात आती है, जैसे मल्टीमीटर, मल्टीमीटर का इस्तेमाल आप कैसे करते हैं, सोल्डरिंग कैसे करते हैं, आपके पास डिफरेंट टाइप्स के आईसीज होते हैं, कंपोनेंट्स, टाइमर सर्किट बनाते हैं वगैरह वगैरह, ये सारे रिले स्विचेस बनाते हैं, ये सारे इसमें आते हैं। इसके नेक्स्ट पार्ट में ये हमारे पास आती है इंट्रोडक्शन टू प्राइम मूवर्स। जैसे हमारी कारें चलती हैं तो उसमें गियर सिस्टम होता है, हम उस सिस्टम का कैसे इस्तेमाल करते हैं, लिवर मैकेनिज्म कैसे काम करता है, पुलीज का क्या रोल होता है, ब्रेकिंग का क्या रोल होता है और पावर हमारे पास कहाँ से आती है, ये सभी के सभी यहाँ पर कवर होंगे। तो ये बेसिकली तो जो मैकेनिक ये वर्कशॉप स्किल्स का जो टॉपिक है ये सारा का सारा ही स्किल से रिलेटेड है। तो इसमें आपको कई ढंग से समझाया जा सकता है क्योंकि इसमें अकेले आप सिर्फ पढ़ के नहीं सीख सकते, इसमें कुछ तो आपको हम वीडियो वगैरह दिखा के समझाएंगे, कुछ आपको डायग्राम से समझाएंगे और कुछ आपको प्रैक्टिकली भी करके देखना पड़ेगा, तभी आपको ये सारा कुछ समझ आएगा कि क्या क्या हमारे पास ये है। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि आने वाले टाइम में हमारे पास जितना भी टाइम होगा हम उसमें अपने ये टॉपिक्स सारे कवर कर पाएंगे। पर मैं सोच रहा हूँ क्योंकि आपको सिंपल हार्मोनिक मोशन, डैम्प्ड मोशन, फोर्स्ड ऑसिलेटर एटसेट्रा ये क्योंकि आपने SHM पहले भी पढ़ा हुआ है, तो मैं ये समझता हूँ कि आपको स्टार्टिंग दूसरी बुक से ही करवाऊँ, यानी कि वेव्स एंड ऑप्टिक्स से, ताकि आप शुरुआत में एकदम से प्रेशर में ना आ जाएं। आपको ये थोड़ा बहुत पता है तो थोड़ा इजीली आप इसको कर भी पाएंगे और इसको पढ़ भी पाएंगे। तो जब भी नेक्स्ट अब लेक्चर लगता है, नेक्स्ट लेक्चर में विल बी प्रोसीडिंग विद दिस बुक एंड दिस इज वेव्स एंड ऑप्टिक्स एंड होप यू विल बी स्टडिंग द whole syllabus completely which has been with you on the screen and we'll be meeting soon to discuss all the facts about simple harmonic motion. Thank you, thanks a lot.